Hey, hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, have you ever heard interjection? What is the interjection? Interjection means vismayadi bodhak avyay, jisko hindi mein hum vismayadi bodhak avyay bolte hain. That is called in English interjection. So today I am going to teach about the interjection. What is the interjections and how to use these words in the sentences. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, बहुत सारे शब्द हैं interjection में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं संबोधन के लिए. जिस तरह से हम अपने भाव व्यक्त करने के लिए कुछ उद्गार मीन्स आहा, ओहो, अलास, हाय, हेल, वेल डन, इस तरह के जितने भी सारे शब्द हैं वो सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो हम एक एक करके सभी इंटरजेक्शन को आज हम जानेंगे और समझेंगे और एक एक सेंटेंसेस बनाकर भी हम समझेंगे कि किस तरह से उसका सेंटेंस में इस्तेमाल हम करते हैं. ठीक है फ्रेंड, जो पहला वर्ड से आह, आह का इस्तेमाल आश्चर्य, आनंद, दुख, पसंद, नापसंद प्रदर्शित करने के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो आह का इस्तेमाल हम दुख के लिए भी करते हैं और आनंद प्रकट करने के लिए भी करते हैं. हम दोनों ही स्थिति में आह का इस्तेमाल करते हैं. अब इसका हम इस्तेमाल करते कैसे हैं, जैसे कि आह, हम दुख में आह, हिज नो मोर, वो नहीं रहा. आह, व्हाट अ लवली फ्लावर, आश्चर्य से, आनंद से, मीन्स हम ये मुझे आनंदित कर रहा है. व्हाट अ लवली फ्लावर, आह. ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से दूसरा वर्ड्स है आहा, आनंद, व्यंग और विजय प्रदर्शित करने वाला अव्यय. आहा, वी वॉन द मैच. आहा, इट्स हॉलीडे टुमारो. इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. आहा, कल, आहा, कल छुट्टी है. आहा, इट्स हॉलीडे टुमारो. ठीक है फ्रेंड, तो हमारा तीसरा वर्ड्स है अलास. अलास मीन्स ये दुख प्रकट करता है. इसमें व्यंग, सुख ये सब नहीं होता है, सिर्फ दुख प्रकट करने के लिए हम अलास का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में. डन, डन का मतलब क्या, डन, डन माने ठीक है, यस हो गया, ठीक है, हो गया, डन का मतलब. सो ओके इट इज डन, ओके इट इज डन, ये हो गया. ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है गोश. गोश माने विस्मयादि बोधक, मीन्स विस्मय से हम बोलते हैं, विस्मय से गोश. जैसे हम अपने आप पे खींच कर बोलते हैं, अपने आप पे हम खींच कर बोलते हैं गोश, आई फॉरगॉट माय पर्स एट माय हाउस. गोश, आई फॉरगॉट माय पर्स एट माय हाउस. गोश, आई हैड नेवर थॉट दिस. हाय, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाय. हाय, हाय हम किसको बोलते हैं, परिचित लोगों से कहा जाने वाला एक अभिनंदन शब्द है हाय. हाय मीन्स हमने आपको हाय कहा, हाय मीन्स हम आपको जानते हैं, आई नो यू, इसलिए हमने हाय कहा. हम नहीं जानते तो हाय नहीं कहते. हमारा नेक्स्ट है हश. हश मीन्स चुप, शांत, इसे हम बोलते हैं ना वही हश. हश मीन्स चुप. हश, बेबी इज स्लीपिंग नाउ. घी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है घी, जी डबल ई, घी. घी मीन्स आश्चर्य अथवा उत्साह व्यक्त करने वाला शब्द. नेक्स्ट वर्ड है ओ. ओ गॉड, ओ गॉड, इसका मतलब होता है ओ, अरे, हे, ओ, हे, यू आर हियर, ओ, ओ माई गॉड, ये.
हे, अरे, ये सब संबंधित करने वाला है। और एक दूसरा ओ होता है, ओ ओ एच मीन्स डबल ओ एच, वो ओ भी होता है, उसका मतलब भी वही होता है, आनंद व्यक्त करने वाला। आश्चर्य, आनंद, पसंदगी, नापसंदगी वगैरह व्यक्त करने वाला अव्यय। ओ आई हैड नेवर थॉट आई वुड विन दिस प्राइज। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द इंटरजेक्शन। व्हाट इज द इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या है और कैसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं और किन जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद।